इसराइल की आर्मी गाजा पट्टी में घुसकर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वहां हमास की सुरंगों ने इसराइल का रास्ता रोक दिया। गाजा पट्टी की ये सुरंगें एक दो नहीं बल्कि 500 किलोमीटर तक दूर दूर तक फैली हुई हैं। इन सुरंगों के अंदर हमास के कमांडर खुद भी छिपे बैठे हैं और बड़ी तादाद में गोला बारूद भी रखा हुआ है। अब नेतन्याहू को खौफ सता रहा है, ये डर लग रहा है कि जमीनी हमले के वक्त कहीं ये सुरंग इजरायली सेना की हार की वजह ना बन जाएं। गाजा पट्टी, जमीन के नीचे शहर, पूरी गाजा पट्टी में सुरंगों का जाल, सुरंगों का भूल भुलैया, सुरंग में कमरे भी, सुरंग छिपने की बेहतरीन जगह, सुरंग को भेद पाना मुश्किल। क्या गाजा पट्टी की सुरंगों में फंस जाएगा इजराइल? ये सवाल इसलिए क्योंकि नेतन्याहू ने जब कहा था कि वी आर एट वॉर, मतलब हम लोग युद्ध में हैं, तभी से इसराइल ने गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए। मतलब 7 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक इसराइल ने गाजा पट्टी को बमों से पाट दिया। लेकिन सिर्फ 41 किलोमीटर लंबी और 6 से 7 किलोमीटर चौड़ी तीन ओर से इसराइल से घिरी और सिर्फ एक ओर समंदर वाली गाजा पट्टी नेतन्याहू के जला देने वाले बमों के सामने अब तक टिकी है। इसराइल के पास पावर है। गाजा पट्टी चंद हजार हमास के आतंकियों के साथ इसराइल जैसी शक्ति का मुकाबला करने में असमर्थ है। गाजा ईंट दर ईंट बिखर रही है, दीवार दर दीवार ठह रही है, लेकिन इसराइल के सामने उसका अस्तित्व अब भी कायम है। कहा जा रहा है कि हमास के अब तक टिके रहने का मुख्य कारण गाजा पट्टी में बनाई गई सुरंगें हैं। इन सुरंगों में हमास ने पूरी दुनिया बसा रखी है, जिससे वो इसराइल के अंदर तक जा सकते हैं और अपने आप को इसराइल के एयर स्ट्राइक से बचा भी सकते हैं। कह सकते हैं कि महीनों तक रहने का इंतजाम इन सुरंगों में हमास के आतंकियों ने किया है। इसीलिए गाजा पर किसी हमले से पहले इसराइल चाहता है कि पूरी जानकारी सुरंगों के बारे में जुटा ली जाए। गाजा पट्टी के नीचे बिछी टेढ़ी मेढ़ी बहुत गहरी, कहीं बहुत संकरी सुरंगें जो 500 किलोमीटर तक में फैली हैं। हमास ने इन 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों के बाकायदा कई एक्सेस पॉइंट बना रखे हैं, यानी शहर में खुलने वाले दरवाजे। ये दरवाजे किसी मस्जिद में, किसी अस्पताल में या किसी स्कूल में भी खुलते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हमास के कई आतंकी इन सुरंगों से होकर इसराइल में पहुंचे। इसका सबूत आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ रोशनी का इंतजाम है, आप चाहें तो इन सुरंगों में घूम भी सकते हैं। इसराइल पर हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद दईफ भी इन्हीं में से किसी एक सुरंग में छिपा हुआ हो सकता है। इसराइल ने अंतिम हमास के आतंकी के नाश तक का ऑपरेशन चलाया है, नाम दिया है लोहे की तलवार, मतलब सॉल्ट ऑफ आयरन। सुरंगों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। हमास के हाथों में ये सुरंगें महफूज रही हैं क्योंकि इजराइल के बड़े हमले और जलजले के बाद भी इन सुरंगों का कोई नुकसान नहीं हुआ है।
लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के बाद इसराइल ने इन सुरंगों को खत्म करने का ऐलान किया है, लेकिन खत्म करने वाला ऑपरेशन अभी तेज नहीं हुआ है, क्योंकि इसराइल को लगता है कि पहले इन सुरंगों के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली जाए, क्योंकि अगर हमला किया और उधर से जवाबी कार्रवाई हमास ने कर दी तो लेने का देना भी पड़ सकता है। आपको आगे दिखाएंगे कि गाजा पट्टी पर नाचती मौत के बीच कैसे सुरंगें लाइफलाइन बन गई हैं। זה להיכנס לעזה, זה לבוא למקומות שבהם החמאס נערך, פועל, מתכנן, משגר, לפגוע בו קשה מאוד, בכל מקום, בכל מפקד, בכל פעיל, להשמיד תשתיות, במילה אחת, לנצח. कंक्रीट से बनी इन सुरंगों को लेकर 2021 में इसराइल ने दावा किया कि उसने 100 सुरंगें तबाह की हैं, लेकिन हमास ने कहा कि ये मौजूदा सुरंगों का 5% भी नहीं। गाजा पट्टी में इसराइल के हमले में तबाह हुई सुरंगों का नक्शा देखिए, ये पूरी गाजा पट्टी है। इसके उत्तर में बीट हनून है, जहां इसराइल ने नई सुरंगें तबाह की। फिर गाजा सिटी है, यहां भी वही हाल किया। उसके नीचे खान यूनुस है और यहां भी कई सुरंगों को इसराइल ने तबाह कर दिया, लेकिन गाजा पट्टी के सुरंगों का पूरा नेटवर्क ढहाया नहीं जा सका। और एक बार फिर यही सुरंगें इसराइल को गाजा पर जमीनी हमले करने से रोक रही हैं। इन सुरंगों से इसराइल की सेना इसलिए डर रही है क्योंकि सुरंगों में टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस नेटवर्क कमजोर हो जाते हैं। इसराइली सेना के जमीनी हमले के वक्त इन सुरंगों में बारूद भरकर उड़ाया जा सकता है। इन सुरंगों से निकलकर अचानक हमला किया जा सकता है। आपको आगे दिखाएंगे कि इन सुरंगों को नष्ट करने के लिए इसराइल ने अपनी कौन सी फोर्स तैनात की है, लेकिन उसके पहले इसराइल के गाजा पट्टी पर ताजे हमले की कुछ तस्वीरें देख लीजिए और यकीन कीजिए कि हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। किसी की कोई नहीं सुन रहा, अमेरिका की ईरान नहीं सुन रहा, ईरान की इसराइल नहीं सुन रहा, इसराइल की हमास और हिजबुल्ला नहीं सुन रहे। नतीजा है कि गाजा अपनी किस्मत पर आंसू नहीं खून बहा रहा है। इसराइल कह रहा है कि गाजा की ऊपरी परत पर आम लोग रहते हैं और जमीन के नीचे हमास के आतंकियों का शहर बसा है। टारगेट वही है क्योंकि हमास ने इन सुरंगों को एक साल में नहीं गढ़ा, सालों से इसे तराशा है, इस लायक बनाया है कि इसराइल के हवाई हमले सुरंगों पर फेल हो जाए। हमास ने इन सुरंगों को इसराइल तक बिछा रखा है, मतलब इसराइल में घुसने के लिए सुरंग रास्ता हो सकती है। जैसे जबालिया से, गाजा सिटी से, शेजाइया से इसराइल के नहल ओजी, कफर अजा तक ये सुरंगें फैली हो सकती हैं। इन सुरंगों में हमास ने सारे हथियार जमा कर रखे हैं। अब सवाल उठता है कि हमास के पास इन सुरंगों को बनाने का पैसा कहां से आया? तो जवाब है, मदद के लिए मिले पैसों को हमास ने आम बाशिंदे की तालीम या सेहत पर खर्च करने की जगह सुरंग बनाने पर खर्च किया, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत क्लियर है कि इसराइल पर हमला करेंगे तो वो छोड़ेगा नहीं। और अब सुरंगें हमास की जीवनदायिनी बनी हुई हैं। इसराइल कह रहा है कि सुरंगों की शिनाख्त के बाद इन्हें GPU-28 बमों से ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस बम के इस्तेमाल से सुरंगें तबाह तो होंगी, लेकिन बड़े बड़े गड्ढे बन जाएंगे, लेकिन इसराइल के सामने इसके अंत के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हमास ने इन सुरंगों में भारी मात्रा में हथियार इकट्ठा किया है, सुरंग के भीतर भी बंकर बना रखा है, कमांड सेंटर चलाते हैं, यहां तक कि गोला बारूद का ट्रांसपोर्टेशन भी इन्हीं सुरंगों से होता है। लिहाजा इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF के लिए यह काम बहुत मुश्किल होने वाला है। इसराइल ने हालांकि इसका तोड़ निकाल भी लिया है। सुरंगों को नष्ट करने के लिए इसराइल ने सेना में स्पेशल यूनिट बनाया है, नाम है यहालोम यूनिट। यहालोम कॉम्बैट इंजीनियरिंग कॉर्प्स की एलीट कमांडो यूनिट है। यहालोम इन सुरंगों को खोजने, क्लियर करने और नष्ट करने में माहिर है। इस यूनिट की संख्या इसराइल ने दोगुनी कर दी है। इसराइल के पास बहुत वक्त नहीं है, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ ईरान आक्रामक होगा, हिजबुल्ला हमले तेज करेगा, ये तय है। दूसरी ओर हमास के पास भी वक्त नहीं है, लेकिन सुरंगों में छिपे लोगों को इसकी चिंता कम है। कहा जा रहा है कि इन सुरंगों में छुपे हमास के आतंकियों के पास पर्याप्त मात्रा में खाना खाने और पीने को पानी मौजूद है।